कहते हैं कि हर कत्ल की कोई बड़ी वजह होती है, यूं ही कोई किसी की जान नहीं लेता, लेकिन बिहार में एक 10 साल के छात्र को दबंगों ने महज एक आम की खातिर मौत के घाट उतार दिया। ये भी है खबर। एक आम की कीमत ही क्या, लेकिन एक आम बना मौत का सबब। समस्तीपुर में हुआ मैंगो मर्डर। समस्तीपुर में महज एक आम के खातिर हुआ कत्लेआम। दबंगों के बगीचे से एक आम तोड़ने की सजा, सजाए ए मौत बन गई। समस्तीपुर के पटोरी गांव का 10 साल का एक मासूम को आम तोड़ने पर दबंगों ने इस कदर पीटा कि उसकी जान निकल गई। आम खाने की ख्वाहिश में उसने एक पत्थर पेड़ पर मारा था, जिसे बगीचे के मालिक ने देख लिया। बस फिर क्या था, दबंगों ने आम तोड़ने के मामले से जुर्म के बदले विजय की जान ले ली। विजय के घर में मातम पसरा है, माँ और भाई का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वाले न्याय की गुहार लगा रहे हैं। 12 बजे के लगभग अब आम तोड़ा कि नहीं तोड़ा, या लुटवे किया होगा, या एक ढेपा फेंका होगा, हो सकता है आम टूट गया हो, इसलिए बच्चा को पकड़ के श्रीराम विलास राय और उनके लड़के जो है सधवा जो है क्रूरता के साथ पीटा। इसके लिए गांव वाले लोग काफी भयभीत है, हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। आम के सीजन है सर, वो ढेपा फेंक दिया है सर, मरते मरते मार दिया सर। तो जो मारा है वो पकड़ाया नहीं? जी ना, छानबीन चल रहा है। लेकिन गांव वाला सब तो कह रहा पकड़ा था। जी ना, पुलिस के ढुलमुल रवैये के चलते आरोपी फरार हो गया है। बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवार वाले आरोपी को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। क्या बिहार पुलिस एक गरीब को इंसाफ दिला पाएगी? इस समय समस्तीपुर से रमेश शंकर,